Hello everyone, I am your teacher for this particular video. Let me explain this particular subtopic to you. Now, आज जो हम बात करेंगे ये particular subtopic जो है वो है solid state का, right? जिसमें कि हम discuss करेंगे general characteristics of solids के बारे में. तो यहाँ पे general क्या क्या characteristics होते हैं एक particular solid को लेके, उसके बारे में discussion होगा, जिसमें कि हम लोग subtopics ये discuss करने वाले हैं कि आपका properties of solid क्या क्या होता है, राइट. हम जो है कंपैरिजन करेंगे बाकी आपके स्टेट ऑफ मैटर्स के साथ. उसके बाद जो है हम स्पेसिफिकली देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब अगर आपको सॉलिड आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या क्या चीज़ों को लेके बात करोगे, ठीक है. सो आगे बढ़ते हुए हम जो है देखते हैं सबसे पहला हमारा सब टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. सो अगर आप इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे अगर कंपैरिजन में देखें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि एज वी इंक्रीज इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. तो आपका जैसे जैसे स्पेस जो है वो आपका कम होगा वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स आपका बढ़ता रहेगा. तो अगर हम इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो इन अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन तीनों के बारे में लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स जो रहेगा आपका सॉलिड का रहेगा, राइट. उसके बाद फिर जो है लिक्विड स्टेट में रहेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस, और उसके बाद लीस्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा गैसियस स्टेट में, ठीक है. तो ये आपका ऑर्डर होने वाला है. अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस करेंगे यह है वो थर्मल एनर्जी. सो थर्मल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विच वेरीज बाय चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर के वजह से जो भी आपका डिफरेंस आने वाला है वो आपका क्या होगा, थर्मल एनर्जी के बराबर होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो अगर यहाँ पे हम अगेन कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका गैसियस स्टेट है ये गैसियस स्टेट में जो है आपके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर है. इसका मतलब इसके पास मूवमेंट जो है वो आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है अवेलेबल. अगर इनके पास मूवमेंट ज़्यादा अवेलेबल है तो इनकी जो थर्मल एनर्जी जो हम कह सकते हैं वो आपकी सबसे मैक्सिमम होगी. तो यहाँ पे सॉलिड का जो है आपका मिनिमम होता है, फिर आपके लिक्विड स्टेट का होगा, और जो है मैक्सिमम होगा वो है गैसियस स्टेट. तो बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है आप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से डिस्कस कर सकते हो. तो अगेन जो लास्ट पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर वो आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट. सो हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू मूव इन द फ्री स्पेस अवेलेबल. तो आपके पास जो भी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर एटम के पास जितना भी फ्रीडम है मूव करने का या फिर फ्री स्पेस अवेलेबल है उस पर आपकी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है. और अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड के केसेस में आपका ये मूवमेंट जो होगा वो सबसे रिस्ट्रिक्टेड होगा, राइट. वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो कर सकता है, वो भी मीन पोजिशन के अबाउट, राइट. तो इसीलिए जो है आपका मैक्सिमम गैशियस में होगा और मिनिमम जो है सॉलिड में होगा. अब अगर हम इन जस्ट लिखें कि अगर आपको लेट्स से हमने बोला कि अब भाई सॉलिड क्या है डिफाइन करो, तो हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, राइट. सो द सॉलिड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का अगर आप सॉलिड स्टेट ले विल हैव, तो उनके पास क्या क्या होगा. सबसे पहला डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. तो जो भी आप वॉल्यूम लोगे वो आपका फिक्स रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं कम नहीं होगा. जो भी आप शेप लेके वो कर रहे हो वही शेप वो आपका मेंटेन करेगा, चेंज नहीं होगा, राइट. सेकंड आप ये कह सकते हो कि द इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंसेस है वो जो है बहुत कम है,
आर शॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। तो मतलब कोई भी दो पार्टिकल के बीच में अगर आपको देखना है तो उस फोर्स की बात चल रही है, बिटवीन पार्टिकल्स विल बी मैक्सिमम अमंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अगर आप लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, जिस भी स्टेट में रहेगा, राइट, वो स्टेट आप क्या कहोगे, वो होगा आपका सॉलिड, ठीक है। उसके बाद डी, द पार्टिकल्स मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन। तो एक मीन पोजीशन के अबाउट जो है ये जो है आगे आगे पीछे मूव करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन। तो एक ऑसिलेटिंग मोशन टाइप का आपको जो है ऑब्जर्व करोगे आप अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे, राइट। तो पार्टिकल्स जो है अपने फिक्स पोजीशन पे रहेंगे और उसी के आसपास में जो है आपका ये मूव करते रहेंगे। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि इसका है वो है, आप कह सकते हो, दे आर इनकम्प्रेसिबल। राइट, तो आपके ये जो सॉलिड होंगे, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, वो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लिक्विड में हो सकता है थोड़ा बहुत, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो इस स्टेट को आप जो है बिल्कुल भी इनकम्प्रेसिबल होगा, ये आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक एंड थैंक यू।